हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर हमारे पास खड़ी है यामाहा के दोनों ही नए कलर, मेटालिक ब्लू एंड मेटालिक रेड। और मैं हूँ अभी पेस ऑटोमेटिव ओखला फेस टू में। लोकेशन और नंबर डिस्क्रिप्शन में, बाकी भी हम शोरूम के डीलरशिप के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर दोनों ही नए कलर खड़े हैं, दोनों ही साथ में मिल गए हैं एंड दोनों में ही कुछ कुछ चेंजेस हैं जिनके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं, मेटालिक रेड एंड मेटालिक ब्लू दोनों के बारे में। सबसे बड़ा मेजर चेंज जो है वो सामने से दिखाता हूँ आप लोगों को, तो अगर नोटिस कर लिया है देख लो, वरना मैं बताता हूँ। पहले आपको गोल्डन कलर के यूएसबी फोक्स मिलते थे, अब दोनों में ही ब्लैक कलर के यूएसबी फोक्स देखने के लिए मिलते हैं। ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है, मेजर चेंज है। बाकी मेटेलिक रेड पूरा ही नया हो गया, पहले ब्लैक एंड रेड की थीम में आता था जिसमें नीचे का पैनल आपका ब्लैक चला जाता था एंड ऊपर अपना रेड रहता था, तो वो अब पूरा ग्लॉस रेड हो गया है पहले। और ब्लू में आपको मैट ब्लू मिलता था जो कि अभी भी मैट ब्लू मिल रहा है पूरा, लेकिन अब बीच में स्टिकरिंग जो है, स्टिकर जो है उसका वो चेंज हो गया है। बाकी हेड जो है, फ्रंट हेड दोनों ही एकदम साफ है पूरा, यहाँ पे पूरा ब्लू मिलता है ग्लॉस, यहाँ पे पूरा रेड ग्लॉस मिलता है जो कि पर्सनली मेरे को तो सुंदर लग रहा है। बाकी अगर अलॉय व्हील्स की बात करते हैं, वही 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स हैं दोनों में। आपको मेटेलिक रेड में ब्लैक अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, मेटेलिक ब्लू में ब्लू अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं जो आपको एम में भी देखने के लिए मिल जाते हैं। R15 एम में भी ब्लू अलॉय व्हील्स मिलते हैं। बाकी यहाँ पे हमारे पास इंटेंसिटी वाइट भी खड़ा है जिसमें आपको ऑरेंज व्हील्स देखने के लिए मिलते हैं। बाकी इधर हमारे पास विविड मेजेंटा मेटेलिक भी खड़ा है जिसमें आपको मेजेंटा व्हील्स देखने के लिए मिलते हैं। इसकी प्रॉपर फुल लेंथ वीडियो आ गई है चैनल पे, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी एक और चीज जो मेरे को कॉस्मेटिकली चेंज में बहुत अच्छी लगी, लाइक अगर हम विविड मेजेंटा मेटेलिक में भी देखें तो वहाँ पीछे आपको VVA लिखा मिलता है, इधर भी आपको VVA लिखा मिलता है जिसका स्टाइल अलग है, बट इधर मेटेलिक ब्लू में आपको कुछ VVA लिखा नहीं मिलता है, इस टाइप के स्टिकर दे दिए हैं जो कि पता नहीं क्यों मुझे अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि शायद मैं इतने दिनों से VVA देख रहा हूँ अपनी गाड़ी में, इस वजह से या पता नहीं क्यों, बट अच्छे लग रहे हैं पर्सनली। बैक से लुक सेम है, वही टेल लाइट है, हेलोजन इंडिकेटर्स है फ्रंट एंड बैक दोनों, LCD डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाती है। एक और चेंज जिस चेंज की बात मैंने विविड मेजेंटा कलर के साथ भी करी थी कि आपका जो पहले यहाँ पे होता था इंजन के स्विच में ऑफ नो वो और सेल्फ स्टार्ट का जो सारे इंडिकेशन होते थे वो साइड में कर दिए हैं, आपका मेटेलिक रेड में भी साइड में कर दिए, मेटेलिक ब्लू में भी साइड में कर दिए। बाकी सारे कंट्रोल्स आपके सेम है, आपको हजार्ड लाइट देखने के लिए मिल जाती है, ट्रिप इन्फो का बटन अपना वही है, पास का वही है, इंडिकेटर वही है, हॉर्न वही है, दो भी माई भी वही है। ऑन द अदर एंड जब MATFT आया तो यहाँ पे आपके नेविगेशन बटन आ गए थे, वो ऐसा कुछ अपडेट इसमें नहीं आया है क्योंकि इसमें LCD डिस्प्ले ही आ रहा है। बाकी दोनों के ही मडगार्ड के कवर आपके ब्लैक हो गए हैं और यहाँ इंटेंसिटी वाइप में भी ब्लैक ही आता है, विविड मैजेंटा में भी ब्लैक ही आता है, एम में जो है सिल्वर कलर का आता है। बाकी ब्रेक्स वगैरह सब सेम है आपके, वही बाइब्रे के कैलिपर्स फ्रंट में, पीछे निसिन के कैलिपर्स मिलते हैं आपको, तो ये सारी चीजें सेम है। बाकी रेड कलर लग रहा है कुछ तो प्यारा, बढ़िया लग रहा है लाइक। और यहाँ पे अगर रेड कलर के R15 जो लिखा है इसकी बात करते हैं, यहाँ पे आपको ग्रेडियंट देखने के लिए मिल जाएगा एक, एंड ब्लू की अगर बात करते हैं एक बड़ा स्टिकर जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो एक काफी बड़ा सा स्टिकर देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे लाइट ब्लू से, यहाँ पे ये सियान कलर एक एक्वा कलर होते हुए और नीचे ब्लू कलर, एंड ये भी काफी बढ़िया लग रहा है देखने के लिए, विजुअली सुंदर लग रहा है। जो मड गार्ड है वो भी आपको सेम ही कलर में मिलेंगे जिस कलर में बॉडी मिलेगी, जैसे यहाँ पे ग्लॉस रेड है तो ये भी ग्लॉस रेड है, यहाँ पे ग्लॉस ब्लू है तो ये भी ग्लॉस ब्लू है, यहाँ पर आपको कुछ भी लिखा नहीं मिलता है, फुल साफ गाड़ी, बस यहाँ पे R15 एंड version 4। यहाँ पर आपको आगे VVA देखने के लिए मिल जाएगा स्टिकर, यहाँ पे कोई स्टिकर नहीं है, यहाँ पे यामा का स्टिकर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, एंड साइड में भी एक अच्छा खासा बड़ा स्टिकर देखने के लिए मिल जाएगा, और बैक में भी स्टिकर चेंज तो है ही। रेड का जो मेन मेरे को हाईलाइट लगा वो ये कलर है, पूरी गाड़ी इन्होंने ग्लॉस रेड कर दिया जो कि दिखने में बहुत ही विजुअली अपीलिंग और बढ़िया लग रही है। बाकी जो टायर साइज वगैरह जो पहले आता था वही आता है, 140/70 R17 बैक टायर दोनों में सेम, आगे आपका 100/80 17 दोनों में सेम, टायर साइज सेम है, अभी भी हमारे टायर वगैरह मिल रहे हैं, वो सारी चीजें सेम है। एक और सवाल जो लोग पूछते हैं अबाउट क्विक शिफ्टर, तो रेड वाले कलर में आपको क्विक शिफ्टर नहीं मिल रहा है, देख सकते हैं डायरेक्ट एक नॉर्मल गियर शिफ्टर है। ब्लू वाले कलर में आपको क्विक शिफ्टर मिल रहा है, ठीक है वो देख लिए दिख रहा है, एंड विविड मेजेंटा में भी क्विक शिफ्टर मिल रहा है देख सकते हैं, इंटेंसिटी वाइट में भी आपको क्विक शिफ्टर लगा मिल जाएगा, इसमें भी लगवा सकते हैं ऑप्शनल है, एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, रेड कलर में भी आपको क्विक शिफ्टर लग जाएगा, तो वो सारी चीजें तो आपको शोरूम पर आकर ही बात करनी पड़ेंगी अपने हिसाब से आपको क्विक शिफ्टर चाहिए कि नहीं चाहिए। प्राइस में डिफरेंस आ जाता है अराउंड 20-25। बाकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल रहा है मेटेलिक ब्लू में तो, एंड मेटेलिक रेड की बात करें तो इसमें भी ट्रैक्शन कंट्रोल आपको मिल रहा है, पूरा ट्रैक्शन कंट्रोल तो आपको दोनों ही बाइक में मिल ही रहा है। क्विक शिफ्टर आपको ब्लू में मिल रहा है, रेड में नहीं मिल रहा है। आगे के DRL देख लो, DRL के साथ कैसी लग रही है, एंड ऑब्वियसली यामाहा V4 के लुक्स तो भाई बहुत ही प्यारे हैं, सभी लोग कहते हैं सिर्फ मैं नहीं। बाकी दोनों ही बाइक में आपको यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जिसमें आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। दोनों ही बाइक आपकी E20 फ्यूल एफिशिएंट है, BS6 OBD2 वेरिएंट वाली,
ये भी एक प्लस पॉइंट है। बाकी इधर हमारे पास मैट ब्लैक खड़ा है, मैट ब्लैक काफी पहले आ गया था बट ये भी बढ़िया लिखता है, एंड एक ब्लैक MT15 भी। और यहाँ पर M जो कि आपका TFT डिस्प्ले एंड LED इंडिकेटर के साथ आता है, देख सकते हैं, जिसमें बढ़िया एनिमेशन भी आती है ऐसे यामाहा की। और यहाँ पर आपको कॉस्मेटिक चेंजेस बहुत सारे मिलते हैं, इसकी भी फुल लेंथ वीडियो चैनल पर अवेलेबल, चाहे तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी तो आई डोंट थिंक सो कि मेटेलिक ब्लू और मेटेलिक रेड के बारे में ज्यादा कुछ बताना रह गया। एक चीज और जो मेरे को अभी स्ट्राइक हुआ, ये वाला पैनल यहाँ पे ब्लू है, ये पैनल ब्लू है, ये पैनल मैट ब्लू है, ये ब्लैक के साथ ब्लू है, ठीक है। यहाँ पे मेटेलिक रेड मिलता है, पूरा मेटेलिक रेड मिलता है, बट ये वाला पैनल आपको ब्लैक में मिलता है, ये चीज मैंने अभी नोटिस करी। यहाँ पे ज्यादा ब्लू है, यहाँ पे रेड है, लेकिन कम है, लेकिन ये बढ़िया लग रही है तब भी यार, मुझे तो बढ़िया लग रही है कुछ भी को। बाकी शोरूम की लोकेशन और नंबर दोनों आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। ओखला PS2 PS ऑटोमोटिव यामाहा, लोकेशन आपकी डिस्क्रिप्शन में है, नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में है। आपको इनमें से कोई भी गाड़ी के बारे में कुछ भी डिटेल चाहिए, गाड़ी खरीदनी है लेनी है, कोई भी इंक्वायरी है, आप लोकेशन से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मतलब लोकेशन से तो आगे देख सकते हैं। बाकी अगर इन दोनों गाड़ियों के बारे में या किसी भी यामाहा की बाइक के बारे में कुछ मैंने जो भी इस वीडियो में दिखाई उनके बारे में कुछ बताना रह गया तो आप मेरे को कमेंट डाल सकते हैं, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। फिर किसी और ब्लॉग कंपेरिजन या रिव्यू में, बाय बाय।